गाइस वेलकम यूट्यूब माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक सेट आया हुआ है ओप्पो का A15 सेट मेरे पास यहाँ पे रिपेयर के लिए आया हुआ है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है ओनली चार्जिंग लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब इसको जब हम फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं, पहले एक बार यहाँ पे मैं फ़ोन को चार्ज में लगाता हूँ तो यहाँ पे चार्ज में लगाने के बाद मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये फ़ोन के अंदर चार्जिंग लोगो आ रहा है। देखो यहाँ पे ये चार्जिंग का सिंबल जो है वो ब्लिंक हो रहा है अभी यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद ये स्टॉप हो जाता है, मतलब यहाँ पे ये चार्जिंग का जो लोगो है वो यहाँ पे रुक जाता है। देखो यहाँ पे अभी स्टेबल हो चुका है और इससे आगे जो है वो इनकी चार्जिंग के जो परसेंटेज होता है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता है और यहीं पे ये हैंग ऑन लोगों पे आके अटक जाता है फ्रेंड। ठीक है, मैंने दूसरी बैटरी भी डाल के इसके अंदर चेक किए, सेट चालू नहीं हो पा रहा है, लोगो आके जो है वो रुक जा रही है या फिर सेट जो है वो ऑफ हो जा रही है। ठीक है, इस कंडीशन में इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जैसा कि देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो प्रॉब्लम क्या है और ये फ़ोन ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये स्टेबल होने का क्या मतलब है, उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप और इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग सिंबल आ रहा है। तो चलो एक बार पहले इनके हम बैटरी को यहाँ पे निकाल देते हैं और निकालने के बाद एक बार इनकी बैटरी कितनी चार्ज है उसको एक बार पहले हम अपने मल्टीमीटर से कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर को वोल्टेज 20 स्क्रीन पे सेट कर देना है। देखो बैटरी अगर चार्जिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4.3 वोल्टेज चार्ज है और इतने में आपका जो सेट है वो इजी वे में ऑन हो जाना चाहिए था, जो कि सेट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। हमारी चार्जिंग लोगो जो है वो ब्लिंक हो रही है, स्टॉप हो रही है। एक बार सेट को यहाँ से हम ऑन करके देखते हैं, इनकी ये मदरबोर्ड को थोड़ा सा प्रेस करते हैं और एक बार सेट को यहाँ से हम ऑन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से मैं सेट को ऑन कर रहा हूँ, सेट जो है वो ऑन नहीं हो पा रहा है। इनकी ये पॉइंट है, इनको मैं इस तरीके से प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेट जो है वो चालू नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा है। कई बार चालू हो भी जाता है तो लोगो आके ऑफ हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट नहीं ऑन हो पाता। सॉरी, यहाँ से बैटरी भी शायद निकल गई है। एक बार बैटरी को यहाँ से पकड़ के हम ऑन करके देखते हैं इस तरीके से एक बार। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो सेट ऑन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चलो अब इनके हम बैटरी को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली इनको बीप मोड पे लेके आते हैं मल्टीमीटर को। फ्रेंड ठीक है, मेरे पास जब सेट आया था उस टाइम ये ऑन हो पा रहा था थोड़ा सा, अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी ऑन नहीं हो पा रहा है। तो अभी एक बार इनके हम सॉर्टिंग वगैरह को चेक करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो सॉर्टिंग वगैरह से ही प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर। तो एक बार इनकी बैटरी कनेक्टर पे सॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं। तो देखो ये ग्राउंड लाइन है हमारी और ये हमारी पॉजिटिव है। तो फ्रेंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो मोबाइल है वो पूरी तरीके से शॉर्ट देखने को मिल रहा है, मतलब फ़ोन के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव लाइन शॉर्ट है और इसी कंडीशन के वजह से सेट तो ऑन हमारा हो नहीं पा रहा है। और दूसरी चीज़ जो चार्जिंग की लोगो आके जो रुक रही है, जो स्टॉप हो रहा है, वो इसी के वजह से हो रहा है। ठीक है, मतलब फ़ोन के अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज़ शॉर्ट है और इसी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। हमारी बैटरी कनेक्टर के पास दोनों तरफ से बीप देखने को मिल रहा है जैसा कि देख सकते हो। ठीक है, तो अब शॉर्टिंग कहाँ पे है उसके लिए जो केन है सिंपली पहले इसको ओपन करना होगा। ठीक है, तो चलो पहले फटाफट केन को ओपन हम कर लेते हैं और देख लेते हैं इस फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग कहाँ पे है। तो फ्रेंड ये जो कंडीशन आपको दिख रहा होगा ये ऑलरेडी इसी कंडीशन में ही था। ठीक है, मैंने इस पर कोई भी काम फिलहाल नहीं किया हुआ है। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने एक A15 के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उस कंडीशन में सेट कंप्लीट डेड था। इस कंडीशन में तो ये खैर लोगों पे आ भी रहा है बट उस कंडीशन में सेट पूरी तरीके से फुल डेड था फ्रेंड। ठीक है, मगर जो पिछली वाली वीडियो मैंने बनाया था उस कंडीशन में यहाँ पर जो कैप है ये शॉर्ट थी, इसी की वजह से जो है उस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जो कैप यहाँ पर दिख रहा होगा दो, यहाँ पर उस टाइम शॉर्ट था। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कोई शॉर्टिंग दिखाता है या फिर नहीं दिखा रहा है, एक बार पहले हम चेक कर लेते हैं क्योंकि फ़ोन तो हमारी बिल्कुल ही शॉर्ट आ रही है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो चलो एक बार इनको जो है हम चेक कर लेते हैं और इनका जो केन वगैरह उसको भी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं दिख रहा है कुछ भी। ठीक है, तो अभी हम ये जो केन है इनको यहाँ से हम बाहर निकालते हैं क्योंकि हमारी DC to DC IC इसी के अंदर है। ठीक है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ये एक शॉपकीपर का फ़ोन है फ्रेंड, इसी कंडीशन में मेरे पास रिपेयर के लिए आया हुआ था। ऊपर से ऐसा नहीं लग रहा किसी ने ओपन नहीं किया बट इस साइड से ऐसा लग रहा है किसी ने इसको ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल चलो इसको हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद नेटवर्क सेक्शन को भी ओपन करके हम देखेंगे। तो पहले हम यहाँ से केन वगैरह को ओपन कर लेते हैं। तो
सिंपली फिलहाल यहाँ पे जो है मैंने इनको ओपन कर दिया, ये हमारा केन को, ठीक है। और यहाँ पे हम सॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं एक बार कि फ़ोन हमारा कहाँ पे सॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हम इस कॉइल पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कॉइल जो वो हमारा नॉर्मल दिखा रहा है, जैसा कि आप मल्टीमीटर में देख सकते हो, ठीक है। ये है हमारी लाइट आईसी और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि अभी दोनों साइड से मुझे ऐसा लग रहा है बीप आ रहा है, साइड शॉर्ट यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है। मतलब एक साइड से बीप यहाँ पे मिल रही है, एक साइड से नहीं मिल रही है। और आगे भी चेक कर लेते हैं, इसमें देखो यहाँ पे ये शॉर्टिंग आ रही है इस वाले कैप में, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली नहीं निकालना है, पहले इनको हम चेक करेंगे। अभी ये नेटवर्क सेक्शन पे भी चलते हैं और यहाँ पे भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, ठीक है। ये 2G वाली नेटवर्क आईसी के ऊपर चलते हैं, देखो यहाँ पे ये जो है वो शॉर्ट दिखा रहा है, देख सकते हो दोनों साइड से अभी यहाँ पे आप, ठीक है। तो ये नेटवर्क सेक्शन का कैप है, तो एक बार इसको हम यहाँ से ओपन कर देते हैं और ओपन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हटती है या नहीं हटती है। तो पहले डायरेक्टली यहाँ से कैप उनको हम बाहर निकाल देते हैं, ये दोनों कैप को, ठीक है। यहाँ से मैंने बाहर निकाल दिया है, एक बार फिर से शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे शॉर्टिंग जो है हट गई है। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मल्टीमीटर से चेक करके। देखो यहाँ पे ये ग्राउंड करता हूँ रेड वाले पॉइंट को, और यहाँ पे देखो शॉर्टिंग हमारी हट गई है। और इधर मैं चेक करता हूँ, ये हमारा ग्राउंड लाइन है, और यहाँ पे भी चेक करते देखो यहाँ पे रीडिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। मतलब दो कैपेसिटर मैंने यहाँ पे तोड़े हैं, और ये एक कैपेसिटर है हमारा, देखो ये शॉर्ट है हमारा, देख सकते हो। ये बड़ा वाला जो कैपेसिटर है फ्रेंड, वो कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है, देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड, बड़ा वाला कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। और इसी के वजह से ये फ़ोन है वो ऑन नहीं हो पा रहा है, और चार्जिंग की सिंबल बन के इसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से फ्रेंड आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। फिलहाल इसको हम एक बार लगा के चार्जिंग में देख लेते हैं क्या रिस्पॉन्स है। अभी फिलहाल उस टाइम चार्जिंग पे स्टॉक हो रहा था लोगों आके, तो यहाँ पे एक बार इनको हम पहले लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया है, और एक बार इसको हम चार्जिंग पे लगा के देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने चार्जिंग पे फ़ोन को लगाया हुआ है, और अभी एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है इनकी। यहाँ पे जो चार्जिंग है वो अभी भी ब्लिंक हो रही है, तो हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन बन रही है। देखो फ्रेंड, अभी भी यहाँ पे सेम कंडीशन बन रहा है, लोगो आके स्टॉक हो रहा है, ऑन नहीं हो पा रही है, मतलब ये ब्लिंक हो रहा है। और चार्जिंग भी आपने देखा किस तरीके से था, बिल्कुल चार्जिंग भी हमारा 4.2 वोल्टेज समथिंग चार्ज दिखा रहा था। सॉरी, यहाँ पे केबल बाहर निकल चुका है चार्जिंग का। एक बार हम सेट को यहाँ से ऑन करके ही देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो, जब चार्जिंग में लगा रहे थे यहाँ पे बैटरी लो बता रहा है, ठीक है। तो खैर, एक बार जो है इनको हम यहाँ पे डीसी मशीन के साथ एक बार सेट को ऑन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं बैटरी को, और क्योंकि उस टाइम ऑन भी नहीं हो पा रहा था, और अपने शॉर्टिंग देख ही लिया कि कहाँ पे शॉर्ट था हमारा, ये बड़ा वाला कैपेसिटर शॉर्ट था। तो अभी हम एक बार इसको डीसी मशीन के साथ ऑन करके देख लेते हैं, क्या ये डीसी मशीन पे ऑन होता है या नहीं होता है। अगर ये ऑन हो जाता है डीसी मशीन पे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई होगी, और चार्जिंग की प्रॉब्लम इसके अंदर है। तो पहले एक बार हम डीसी को केवल इसके अंदर लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड लगा दिया है, फ़ोन के अंदर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। एक बार सेट को हम यहाँ पे जो है वो ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, सेट को ऑन करने के बाद बैटरी लो बता रहा है अभी भी इसके अंदर, देखो सेट ऑन करते तो बैटरी लो अभी इसके अंदर बता रही है, ठीक है। इसका मतलब फ्रेंड फ़ोन के अंदर और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी हम इनको जो है वो मतलब बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। और एक बार फिर से यहाँ पे हम शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कैप शॉर्टिंग दिखा रहा था यहाँ पे, ये जो बगल में लगा हुआ है। फ्रेंड इसको डीसी मशीन में ऑन करने के बावजूद भी यहाँ पे जो है वो चार्जिंग का सिंबल बन के आ रहा है, मतलब बैटरी लो की सिंबल बन के आ रही है। एक बार हम क्या करते हैं, इस बैटरी को हम चार्ज पे लगा के थोड़ा देर छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा चेक
कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हम थोड़ा सा इनकी बैटरी को लगा देते हैं, और लगाने के बाद इसको हम थोड़ा देर छोड़ देते हैं, देख लेते हैं कि क्या ये चार्जिंग पकड़ता है या फिर नहीं पकड़ता है, क्योंकि बैटरी लो की प्रॉब्लम अभी जो वो ऑन करने से हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है इनका मैंने केबल को लगा दिया है, और थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट भी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड काफ़ी देर रुकने के बाद भी सेम कंडीशन है इसकी, लोगों पे आ ही के अटकी रहे, क्योंकि इसकी शॉर्टिंग तो यहाँ पे निकल गई है, बट फिर भी सेम कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो अभी एक बार इनकी फिर से बैटरी कनेक्टर पे हम नेगेटिव पॉजिटिव लाइन चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो मैंने चेक किया नहीं है शॉर्ट हटने के बाद, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे अगर फिर से हम चेक कर लेते हैं एक बार इनकी लाइन को, तो देखो यहाँ पे ये शॉर्टिंग नहीं है, पहले शॉर्टिंग आ रही थी, अभी यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। और एक बार फिर से पॉजिटिव लाइन पे टच करके देखते हैं, देखो यहाँ पे अभी भी शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रहा, और यही कैप जो है वो शॉर्ट था जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और एक बार मैं मल्टीमीटर को सही से कर लेता हूँ, देखो यही शॉर्ट था, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया है, फिर भी सेम कंडीशन आ रही है हमारी फ़ोन की, और हम यहाँ पे एक बार इनको लगा के ऑन करते हैं, तो बैटरी ये डाउन दिखा रहे हैं, ऐसा बता रहा है बैटरी डाउन है। देखो यहाँ पे ये बैटरी का लो का सिंबल आ रहा है, और दूसरी चीज़ इसको हम यहाँ पे एक बार प्रेस करके ही रखते हैं कंटिन्यू, तो कनेक्टर भी थोड़ा लूज लग रहा है मेरे को, इसको हम कनेक्टर को थोड़ा प्रेस करके रखते हैं, एक बार फिर से यहाँ पे लगाते हैं। अभी भी बैटरी के देखो सिंबल लो की आ रही है, और बैटरी पे चार्जिंग मैंने कितना देखा हुआ था यहाँ पे, तो चार्जिंग एक बार हम चेक कर लेते हैं कि बैटरी चार्जिंग कनेक्टर पे कितनी शो हो रही थी उस टाइम। यहाँ पे एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, तो देखो 4.3 वोल्टेज यहाँ पे चार्जिंग शो हो रही है। और डीसी मशीन के ऊपर एक बार फिर से चेक करते हैं डीसी मशीन से ऑन करके, क्योंकि डीसी मशीन के ऊपर में भी बैटरी लो ही दिखा रहा था जैसा कि मैंने चेक किया उस टाइम। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं डीसी मशीन के ऊपर लगा के इसको, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, एक बार फिर सेट को यहाँ पे सेट को हम ऑन करते हैं, देखो अभी भी यहाँ पे यह बैटरी लो की सिंबल बन के आ रही है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे यह बैटरी लो की सिंबल बन के आ रही है यहाँ पे। बैटरी लो की सिंबल बन के आ रही है, जो वो चली जा रही है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं सिंपली इसको हम यहाँ पे फिर से चेक करेंगे ठीक से, तो इसको फ्रेंड यहाँ पे सारी चीज़ें ओके हैं, उनके बाद भी ये जो फ़ोन है वो बैटरी लो की सिंबल की प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, ठीक है। और इधर हमारी चार्जिंग आईसी है यहाँ पे, और इधर देख लेते कुछ कोई चीज़ जो वो हमारी मिस्टेक तो नहीं है ना आपको, कि कोई चीज़ हमारी मिस्टेक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको चेक कर लेना, इधर भी देख लेना एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे इधर भी सारी चीज़ें ओके है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी कोई चीज़ टूटा हुआ भी नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ जो है किसी ने शायद काम किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक बार सही से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी ने शायद यहाँ पे काम किया हुआ है, और यहाँ पे ग्राउंड लाइन भी आ रही है शायद, और यहाँ पे देखो शायद एक रजिस्टर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बाहर निकला हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये रजिस्टर 1-2, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है रजिस्टर टूटा हुआ मुझे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये शायद मुझे लग रहा है रजिस्टर डैमेज है, यहाँ पे रजिस्टर यहाँ से निकला हुआ, और पता नहीं किसी ने यहाँ पे काम भी किया हुआ है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे ये जो रजिस्टर्ड है इसको एक बार इनको चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे जम्पर लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो इसको अपने पहले मल्टीमीटर से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जम्पर लगेगा या नहीं लगेगा, किस तरीके की यहाँ पे लाइन है। तो यहाँ पे कुछ रीडिंग शो हो रही है, एडजस्ट बगल में चेक करते हैं तो यहाँ पर भी रीडिंग शो हो रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों को एक बार हम पहले शॉर्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि इसके वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। पहले जो प्रॉब्लम था फ़ोन के अंदर आपने देख ही लिया किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी, और अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो चलो एक बार पहले इसको हम यहाँ पे जो है वो दोनों को शॉर्ट करके देख लेते हैं।
फ्रेंड यहाँ पे जो है मैंने जंपर कट दिया है, इस साइड में शायद आपको सही से दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने जंपर कट दिया है, ठीक है। और एक बार इसको अभी हम चेक कर लेते हैं कि जो पहले बैटरी लो की प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि ये सेट डैमेज भी लग रहा था और ऑलरेडी पहले किसी ने काम भी किया हुआ है और वहाँ से रजिस्टर्ड भी हमारी मिसिंग थी, ठीक है। तो अभी जो है इसको हम एक बार पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं और एक बार यहाँ से सेट को फिर से हम ऑन कर लेते हैं एक बार। तो सिंपली फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट जो है वो हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है और पहले जो है वो हमारी बैटरी लो की प्रॉब्लम आ रही थी और अभी जो है वो सेट हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है फाइनली, देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे। इसका मतलब फ्रेंड वहाँ पे जो रजिस्टर डैमेज था उसी के वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम इस फ़ोन के अंदर आ रही थी और अभी जो फ़ोन है वो हमारा कंप्लीट चालू हो चुका है, क्योंकि जब मैंने फ़ोन को ओपन किया तो बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन में फ़ोन था और किसी ने ऑलरेडी पहले इसको देखा हुआ भी था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा एक शॉपकीपर का फ़ोन है, ठीक है। तो इसके अंदर शॉर्टिंग की वजह से चार्जिंग सिंबल बन के आ रहा था और उस रजिस्टर्ड के वजह से क्या हो रहा था कि ऑन नहीं हो पा रही थी और जो है वो हमारा बैटरी लो का प्रॉब्लम दिखा रहा था, ठीक है। अभी देख सकते हो कंप्लीट जो वो सेट हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें वर्क हो रही है, ठीक है। बैटरी भी हमारा 404.3 वोल्टेज चार्ज था। तो एक बार इसको हम चार्जिंग को लगा के देखते हैं ऑफ कंडीशन में, यहाँ से बैटरी को मैंने निकाल दिया है और एक बार इसको ऑफ कंडीशन में देख लेते हैं कि इनकी चार्जिंग की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चार्जिंग पे भी लगा दिया है फ़ोन को। अभी देखो यहाँ पे वाइट सिंबल बन के आ चुका है, उस समय रेड सिंबल बन के आ रहा था, ठीक है। अभी देखो वाइट आ चुका है, अभी यहाँ पे चार्जिंग एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। शायद इनकी बैटरी यहाँ से लूज़ हो गई है, एक बार ठीक से लगा देते हैं बैटरी, यहाँ इनकी कनेक्टर थोड़ी लूज़ है, चार्जिंग को निकाल के फिर से लगा देते हैं एक बार हम। अभी एक बार फिर से इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे जो है अभी वाइट सिंबल है और हमारा फ़ोन जो वो चार्जिंग सिंबल बन के आके यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए चार्जिंग सिंबल बन के आने लगा, उसके बाद यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये अभी मेरे पास कोई बैटरी दूसरी तो है नहीं, बैटरी से ये प्रॉब्लम होगी फ्रेंड इनकी, ठीक है, क्योंकि इस पे जो है किसी ने बैटरी वगैरह पे भी काम किया हुआ है, इसके ऊपर सोल्डिंग वगैरह जो है वो किया हुआ है किसी ने बैटरी के ऊपर भी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल जो पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी वो चार्जिंग सिंबल आके रुक रहा था हैंग और लोगो टाइप पे, मतलब अभी जो फिलहाल वो जो इनकी चार्जिंग की सिंबल है वो थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, वहाँ पे वाइट कलर की सिंबल हमारी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। एक बार मैं चार्जिंग को फिर से निकाल के लगा देता हूँ, देखो यहाँ पे वाइट सिंबल आ चुका है अभी, जैसा कि आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे 96 आने के बाद यहाँ पे चार्जिंग एरर आ रही है, इसका मतलब फ्रेंड बैटरी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो पहले बैटरी चेक करना पड़ेगा। फिलहाल जो प्रॉब्लम थी इसके अंदर वो ठीक हो गई है, यहाँ पे पहले जो है वो चार्जिंग रेड सिंबल बन के आके रुका हुआ था, फिलहाल यहाँ पे वाइट सिंबल आ चुका है, 96% इन चार्जिंग दिखा के जो वो अभी चार्जिंग एरर की इशू आ रही है, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद है ये जो वीडियो थी और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड यहाँ पे जो है मेरे पास बैटरी नहीं था तो मैंने आपको दिखा नहीं पाया कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम चार्जिंग एरर की दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी है, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, ये उनकी पहले वाली बैटरी है जिसके अंदर चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम आ रही थी, तो पहले वो मैं यहाँ पे आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ोन को चार्ज में लगाया और यहाँ पे चार्ज में लगाने के बाद अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आता है, हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी चार्जिंग के एरर की प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम आ रही है, अभी हम इनकी बैटरी को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पे मेरे पास एक और बैटरी है जो कि इसके अंदर हम लगा के इसको जो है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम आती है या फिर नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस बैटरी को इसके अंदर चार्जिंग लगा दिया है और हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि चार्जिंग इसके अंदर एरर आ रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो फ़ोन है वो हमारा चार्जिंग पकड़ रहा है, 1% फ़ोन के अंदर चार्जिंग, हमारा जो चार्जिंग है वो होना स्टार्ट हो गया फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने सोचा यार इस वीडियो कंप्लीट बना है तो इस पर आपको ये भी बता दिया जाए कि इसके अंदर जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बैटरी के इशू है और हमारी जो चार्जिंग है वो भी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।